हाँ दीदी, क्या नाम आपका? शारदा चौहान। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते बेटी, क्या करते हैं आप? मामा जी, मैं पीतमपुर में हूँ, प्रतिभा इंटेक्स लिमिटेड कंपनी में। जिला भाग कैसे चेंज हुआ आपका, सिलेक्शन कैसे हुआ? जिला स्तर रोजगार के मेले के माध्यम से। रोजगार मेले यहाँ पे लगे? हाँ लगे हैं। आपने कौन से रोजगार मेले में भाग लिया था? बर्जर में लगा हुआ रोजगार मेला 2019 में। अच्छा, उसके बाद आपका आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ। वहाँ क्या काम करते हैं आप? वहाँ पर मैं टचिंग मास्टर हूँ। कितनी कितनी आय हो जाती है हर महीने आपको? 8,700। 8,700। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई बेटी, बहुत शुभकामनाएं। बेटी आपका क्या नाम है? याना राठौर। याना, जरा सबको बता दो आप जोबट की रहने वाली हो? जी जोबट की रहने वाली। क्या किया आपने बताओ ना सबको। 10 मीटर 50 मीटर एयर राइफल शूटर हूँ, इंडियन टीम की प्लेयर हूँ मैं। तालियां बजा के स्वागत करो जोबट की बेटी, इंडियन टीम की प्लेयर है और शूटर है। शूटर, अब तक क्या क्या उपलब्धि हासिल की आपने? नेशनल मेडल्स भी नहीं जीती। अरे जोबट की बेटी ने कमाल किया था, अभी तो बजाओ जरा। इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। एशियन एयरगन से। आप कहाँ जाने वाली हो? कजाकिस्तान में होने वाले थे, तो वो अफगानिस्तान के कारण। अच्छा, अफगानिस्तान के चक्कर में कजाकिस्तान रह गया, तो कहीं ना कहीं तो होंगे। बेटी तुम चिंता मत करना, आप कहीं ना कहीं फिर से घोषणा होगी, वहां आप जरूर जाना। और आपको शूटर या पक्षी कोई जरूरत ऐसी लगती जो आपको चाहिए, जिसमें आपको सहायता चाहिए हो? मैं चाहती हूँ हमारे जिले में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम खुले, जहाँ पे हर खेल की फैसिलिटीज दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हर किसी को मौका मिले और सब मेडल जीत के ला सके हमारे मध्य प्रदेश देश। याना ने बहुत समझदार की बात करी। एक ही याना क्यों, जोबट की धरती से, अलीराजपुर जिले की धरती से और याना बेटी और याना जैसी बेटी क्यों ना निकले? और इसलिए उन्हें कहा कि एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जिसमें हमारे बाकी बच्चे भी यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकले और अच्छे खिलाड़ी बने। और इसलिए जोबट में बोलो स्टेडियम बनाया जाए। भगवान बोलेंगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। बनाया जाएगा, ठीक है? तो बेटी, यहाँ स्टेडियम बनाया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि हमारे बच्चे और भी खेले। देखो आजकल खेलों में नाम ऊंचा हो रहा है हमारे देश का। और इस बार अपन ने अभी अभी हाल में जो ओलंपिक हुआ उसमें भी बहुत पदक जीते। यहाँ ना बेटी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा भी आपको जो सुविधा चाहिए व्यक्तिगत रूप से भी, वो सारी सुविधा भी देंगे आपको। अभी तो तत्काल में 2 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ ताकि आपको तत्काल जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। बाकी भी कोई दिक्कत हो तो बताना बेटी, मामा का आए के लिए चिंता मत करें। धन्यवाद। अभी आपने देखा ये अलीराजपुर जिले की हमारी बहने हैं, दीदियां हैं, जो एक से बढ़कर एक काम कर रही है। आप ये पानी के रहा है केस को भाई पकड़ के रखना, नहीं तो ये गिर सकता है पानी के बोझ से। जो इस काम में लगे सुरक्षा के मित्र वो भी ध्यान नहीं दिए, टेंट गिर जाएगा तो उसका पानी निकाले अभी तो। और ये तो मजबूत बनाया ना सामने वाला, उसको जरा ढंग से संभाल लेना चाहिए। वो पानी है, वो पानी के बहुत से मिल जाएगा, अभी उसको ठीक करवा दो। नहीं तो भी ये पुलिस के मिल जाए तो लगे हुए, वो ध्यान है इसमें।
उसके पानी को निकालना पड़ेगा। तब तक वहां क्योंकि बच्चे भी गोद में है, ऐसा मत करो भाई, ये कोई जिम्मेदार करो, पानी निकाल दो उसके बाद। अब मैं बात शुरू कर रहा हूं। आज हमने देखा मेरे वो कितना बेहतर काम कर रही है। बाइरा हमारी बहनों के लिए बहुत सम्मानजनक शब्द है और हमारी बहनों की प्रतिभा का उपयोग करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए बैराजपुर जिले का ब्रांड बायरा ब्रांड बनाया गया है। मैं केवल एक ही निर्देश दे रहा हूं कि जैसे बायरा ब्रांड का हमने अंग्रेजी में भी जरूरी है ताकि देश विदेश में जाए और हमारी चीजें बिके, हमारी बहनें जो सामान बनाती है वो बिके और उनकी आमदनी बढ़े, ये बुकलेट हिंदी में भी छापी जाए ताकि हजरतपुर जिले में और बाकी जगह भी इसका प्रचार प्रसार हो। पानी आया ये जरूरत थी, उधर देखो सावधान रहना, मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। लेकिन एक बात मैं अपनी दीदियों से कहना चाहता हूं, आप में बहुत क्षमता है, एक ने अनेकों काम आपने प्रारंभ किए हैं, आप बनाएंगी सरकार उनकी मार्केटिंग पैकेजिंग सब करके बाजार भी ढूंढेगी और आपके बने सामान को देश और दुनिया में बिकवाने का काम करेगी ताकि बहनों की आमदनी बढ़े, घर में चार पैसे ज्यादा आए। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बंटवारे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या माधव सिंह जी नागर सिंह जी कई वर्षों में यहां का प्रतिनिधित्व किया, हमारे सांसद जी और सब जिम्मेदार नेतागण बैठे, विकास के काम अगर करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस के लोग केवल ट्वीट करते हैं ट्वीट और 15 महीना उनको देख लिया, 15 महीना में पूरे मध्यप्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था कमलनाथ और कांग्रेस ने। जितनी अच्छी योजनाएं बनाई थी सारी ठप्प कर दी थी। जो बट उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, अगर अलीराजपुर जिले में जो बट के आसपास सड़कों का चार बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। गांव गांव सड़कों का जाल, पहले कांग्रेस की सरकार थी कभी थी क्या सड़कें? सड़कों का आता पता नहीं, बिजली मिलती नहीं थी, आने जाने के रास्ते नहीं थे और केवल सड़कें नहीं, अलीराजपुर जिले में नर्मदा जी के पानी को लाने की मांग उठी। मैं सब जगह की बात नहीं करता लेकिन दोनों सिंचाई की योजना मंजूर करके अलीराजपुर के गांवों में सिंचाई के लिए भी पानी देने का काम अगर किया तो मामा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको जगह बहुत ऊंची है जब वो पानी पहुंच नहीं सकता, उसे मैं आज ही निर्देश दे रहा हूं, जिनके ऊपर खेत है जहां ये सिंचाई का पानी योजना से नहीं पहुंचेगा, भाई दिवाली के बाद एक अभियान चला के कपिल धारा के कुएं हमें खुदवाना है ताकि गांव गांव में किसानों के पास कपिल धारा के कुएं हो जाए और वो सिंचाई करके अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सके। खेती के मामले में एक बात मेरे ध्यान में आई है, मुझे यह पता चला है कि कई परिवारों में बंटवारे होना है, नामांतरण होना है, लेकिन कई वर्षों से बंटवारे नामांतरण नहीं हुए। जिनको बटाना है एक एक खेत परिवार की कई पीढ़ियों के नाम पर, और इसलिए उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और इसीलिए आज हम ये तय कर रहे हैं। कमिश्नर यहां पे है क्या? भवन भवन। आज यह फैसला जोबट की सभा में जनता के बीच जनदर्शन में हो रहा है
कि 30 दिन के अंदर जो बंटवारा चाहते हैं, नामांतरण चाहते हैं और अविवादित बंटवारा है, झगड़े वाला नहीं है, तो 30 दिन एक महीना में शिविर लगा के वो बंटवारा और नामांतरण कर दिया जाए। अभी मैं पवन एक बात को साफ करूं, मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग पैसे की मांग करते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर किसी ने किसान से ट्राइबल से पैसे की मांग की तो उसको मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो अभियान चला के हमें नामांतरण और बंटवारे अभिवादित, उसके लिए हर एक किसान को सुविधा देके योजनाओं का लाभ दिलाने में उसकी मदद करें। तो कपिलधारा के कुएं होंगे, बंटवारा होगा, नामांतरण का काम होगा। और एक बात और मेरे बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई जिसमें प्रधानमंत्री जी 7% पैसा भेजते हैं, 40% पैसा राज्य शासन देता है। एक सर्वे करवा के मुझे पता चला है कि कई लोगों का नाम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, मकान उनके नहीं बने। आप फिर से एक सर्वे करवाइए, आवास प्लस का सर्वे, और सर्वे करवा के जिनके नाम अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़े, उनके नाम जिनके कच्चे मकान है, नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे और उनके मकान बनवाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो ना मेरे बहनों और भाई, हम लोग केवल मुख्यमंत्री और सरकार बना के इसलिए राजनीति चला रहे कि जनता का कोई भला ना करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करें। और इसलिए सस्ता राशन मिले गरीब को, आदिवासी भाई बहनों को भी, इसलिए हमने शुरू किया 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने का अभियान। अभी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में तय किया कि 5 किलो नवंबर के महीने तक वो फ्री में ही देंगे, तो 5 किलो ये मिलता है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, 5 किलो प्रधानमंत्री निःशुल्क देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? बोल के बता, मिलता है कि नहीं ये राशन? मैं अगर कोई छूट गया, एक बार देखा हमने उत्सव पिछले दिनों किया था 7 तारीख, और ये कहा था कि राशन का दुकान वाला अकेला नहीं बांटेगा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, टीम बनेगी जो राशन के वितरण की व्यवस्था देखेगी। एक बार ये सख्ती से देख ले, सबको राशन मिलना चाहिए, पूरा राशन मिलना चाहिए। और अगर कोई छूट गया कि जो गरीब है और पात्रता पर्ची उसके पास नहीं है, तो राशन की पात्रता पर्ची उसके लिए बनाई जाए। जो ईमानदारी से छूट गया है उसको राशन की पात्रता पर्ची देके राशन का वितरण प्रारंभ करना है, और राशन का वितरण सार्वजनिक रूप से ही होगा। चोरी छुपके होता तो कई बार ऐसा नहीं कि राशन की दुकान वाले बेच के खा जाए। मैंने कल कई जगह कड़ी कार्रवाइयां की है और आज चेता के जा रहा हूं, अगर गरीब के राशन पे किसी ने डाका डाला, अगर उस पर गड़बड़ करने की कोशिश की, तो हथकड़ी लगवा के सीधे जेल भिजवाऊंगा, उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये पात्रता पर्ची जहां बच गई है, वहां पात्रता पर्ची बनाने का अभियान भी चलाया जाए। प्रधानमंत्री आवास की बात मैंने कही है, मैं अपने भांजे भांजियों से, बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, 2 साल से पढ़ाई बंद है, ढंग से स्कूल खुले नहीं, अब कोरोना हमारे यहाँ कंट्रोल में है, लेकिन सावधान रहना है, टीका जरूर लगवाना है,
कोरोना से बचाव का वही सबसे प्रभावी उपाय है। मैं जोबन में दीदियां भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कोरोना का टीका लगवाया, जिन्हें लगवाया वो हाथ ऊपर उठाओ, जिन्हें टीका लगवा लिया वो हाथ ऊपर उठाओ। अभी कई हाथ उठे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कई लोग बचे हुए। और जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर फिर वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे, जो लोग बचे हैं उनको समझाए, टीका केंद्र तक लेके आए, निमंत्रण दें और उनको वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन से ही हमारी जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन कोरोना को कंट्रोल करने के बाद अब पढ़ाई लिखाई शुरू करना है। 20 तारीख से हमने प्राइमरी स्कूल भी खोलने का फैसला किया है। मेरे बेटा बेटियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए जितने स्कूल खोले, आश्रम शालाएं खोली, छात्रावास खोले, कभी कांग्रेस ने 50 साल में नहीं खोले। हमने अपने बच्चों की इस कारण से पढ़ाने का काम किया, आश्रम शालाएं छात्रावासों में ठीक से पढ़ाई कर सके इसका इंतजाम हमने किया, बेटियां दूसरे गांव जा सके इसलिए साइकिलें दी, यूनिफॉर्म देने का काम किया। कांग्रेस ने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी। आज मैं फिर कहना चाहता हूं जोबट वालों, संबल योजना हमने फिर से प्रारंभ कर दी है। और उसमें सबसे पहले बेटा बेटियों के फीस भराने का प्रावधान है। और जो जितने बच्चे हैं जोबट के हो, अलीराजपुर के हो, आज मामा फिर से ये कह के जा रहा है कि तुम तो मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ना, अगर अपनी प्रतिभा टैलेंट के बल पर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, कहीं भी बड़े शिक्षण संस्थान में होता है, या फीस 7-8 लाख रुपया साल में लगती है, तो चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारी मम्मी पापा ने मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पढ़ाई का माहौल एक बार फिर शुरू होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ के अपनी योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। मैं जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दे रहा हूं कि नीट की जो परीक्षाएं होती है, जेईई मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए हमको जो बच्चे अलीराजपुर के बच्चों को तैयार करना है और जो उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उनका सिलेक्शन इन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ढंग से किया जा सके। ये बहुत जरूरी है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ के पढ़े और अलग अलग पदों पर पहुंचे। और एक बात और, आने वाले कुछ महीनों में लगभग 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होनी है। ट्राइबल्स पर भी बैकलॉग के जो पद है वो सारे पद भरे जाएंगे, और बाकी भी चाहे पुलिस हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रेवेन्यू, सबकी भर्तियां चालू करने का अभियान कर रहे हैं। दोनों दृष्टियों से रोजगार नंबर 1, शासकीय सेवाओं में जितने लोग जा सकते हैं उतने शासकीय सेवाओं में जाए। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में बायोला जैसे प्रोजेक्ट शुरू करके और उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार दिला के, रोजगार मेले लगा के हम रोजगार देने का काम करेंगे ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। एक बात और, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि कई कार्यक्रम आ गए। एक बात और, कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बने, कई के आयुष्मान कार्ड बन गए। आयुष्मान भारत योजना में भी केंद्र सरकार का पैसा भी है और 40% राज्य सरकार भी देती है। ये आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि हमारे बच्चे या हम में से कोई बीमार होगा तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज निःशुल्क होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक के इलाज हमको साल में फ्री में मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज, हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी में फंस जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आम इंसान कहाँ जाएगा,
उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। आयुष्मान कार्ड कितने बने जिले में अभी, एक बार चेक करवा लो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है भैया, घर घर जाके देखो, कोई के नहीं बने तो बनवाओ, ये अपनी ड्यूटी है, अपन जाके बनवाए। 5 लाख का इलाज फ्री में होगा, ये हमारा धर्म है। हम राजनीति में काम कर रहे हैं कि सबके आयुष्मान कार्ड बनवाए ताकि इलाज में किसी को कोई दिक्कत ना हो। आजकल अस्पताल का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसलिए ये बात भी आई कि जोबट में जो अस्पताल है उसको, छोटे अस्पताल को बड़े अस्पताल में बदलना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? और जोबट के अस्पताल को सिविल अस्पताल 24 स्तर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए मैं स्वीकृत कर रहा हूं। अभी बात स्टेडियम की आई थी, मैंने घोषणा कर दी कि स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, यहाँ शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा। लेकिन जब भी हम आते हैं यहाँ तो हमको तीर कमान भेंट किया जाता है और इसीलिए हम ये भी तय कर रहे हैं कि स्टेडियम तो सब खेलों के लिए बनेगा लेकिन तीरंदाजी के लिए आर्चरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसका भी यहाँ विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा ताकि हमारी एक बेटी सुंदर रह जैसे ही वैसे तीरंदाज भी निकले, आर्चरी में भी हमारे बच्चे निकले और देश और दुनिया में चमत्कार करने का काम करें। आज छात्रावास यहाँ खोले जाएंगे इस जिले में, जिनमें से प्रत्येक छात्रावास में 3-3 करोड़ रुपए हम खर्चा करेंगे, लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि ये छात्रावास खोलने के लिए व्यय की जाएगी ताकि हमारे बच्चे छात्रावास में रह के ढंग से पढ़ाई करने का काम कर पाए। हमने पहले भी एक नहीं अनेकों काम किए। हमने, आप जानते हैं, दही माइक्रो एजुकेशन योजना और अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई योजना बनाने का यहाँ काम किया है। ये सब चीजों को तो काम चलता रहेगा। इसी के साथ साथ एक बात और मेरे दिमाग में आती है कि हमारे यहाँ कल कारखाने भी खुलने चाहिए ताकि उद्योग खुलेगा तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। और इसे उमरी में 28 हेक्टर जमीन पर उद्योग मंत्री प्रभारी मंत्री है अपने राजवर्धन जी, 28 हेक्टर जमीन है उमरी में, वहां हम औद्योगिक पार्क की स्थापना करेंगे जिसमें उद्योग लगेंगे छोटे छोटे, जहां हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही विलासा बैराज, बहदला बैराज, मसनी बैराज, मोद नदी पर बैराज, ये सिंचाई के लिए जहां पानी नहीं आ सकता, विलासा बैराज के लिए 3 करोड़ 44 लाख, बहदला बैराज के लिए 4 करोड़ 40 लाख, मसनी बैराज के लिए 3 करोड़ 20 लाख, मोद नदी बैराज के लिए 6 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हम करते हैं ताकि ये बैराज बना के पानी ढंग से दे दिया जाए। नगर जोबट में आज मैं आया हूँ और जो जोबट के संपूर्ण विकास के लिए मुझे बताया यहाँ एक नाला निर्माण होना है, उसके लिए 2 करोड़ 28 लाख, दौई नदी पर रिटर्निंग वाल उसके लिए 1 करोड़ 94 लाख, सड़क और नाली निर्माण के लिए 80 लाख रुपया, उद्यान विकास के लिए 70 लाख रुपया और सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 40 लाख रुपया भी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जोबट शहर के स्वरूप को हम बदल सकें, इसका और बेहतर विकास कर सकें। जोबट के विकास के साथ साथ जोबट शहर में भी मकान बनाने के लिए गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के लिए अलग से व्यवस्था करने का लाख रुपए की लागत से योजना बनी है ताकि जो बच्चे घर घर में शुद्ध पेयजल पीने का पानी टोटी वाला नल लगा के दिया जा सके। उसके अलावा और एक भी अनेकों काम हुए हैं, उनके विस्तार में नहीं जा रहा। आज अनेकों कार्यक्रम इसके लिए
बहनों भाइयों मैं आता हूं तो कमलनाथ जी ट्वीट करते कि मामा दर्शन देने जा रहा है, हम तो दर्शन देने जाते हैं, देने नहीं दर्शन जनता के करने आते हैं, तुम भी चले आओ कभी कभी तो आ जाओ। दिल्ली में बैठ के ट्वीट फटकारते रहते और कांग्रेस के नेता कहते हैं पुरानी घोषणाओं का हिसाब दो। ये मंच बैठा हुआ है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है एक एक पूरी करके दिए। क्या क्या है कांग्रेस, केवल नपबाजी करना, केवल झूठी बातें करना, जो कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और आगे भी मामा कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि कोरोना की थोड़ी गलती है, पैसा आए नहीं, बिजनेस व्यापार ठप हो गया था, तो अभी मैंने क्या जरूरत पड़ी तो उधार लेते भी करूंगा, लेकिन जोबट और अलीराजपुर के विकास में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलकर अलीराजपुर जिला फिर आगे बढ़ेगा। जोबट का विकास रुक गया था, अब फिर से जोबट के विकास में पूरी दम लगाएंगे, अलीराजपुर भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।